यहाँ के राम है राजा, चमकती शाम है। आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक और हमारे वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम जा रहे हैं राम मंदिर में। आज भगवान प्रभु श्री राम जी का आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ है अयोध्या में। तो हम अयोध्या तो नहीं पहुंच पाए लेकिन हमारे घर के पास जो मंदिर है राम जी का, हम वहाँ मंदिर में जा रहे हैं उनका दर्शन करने के लिए। और उनके दर्शन करेंगे, वहीं पे थोड़ा सा उनका भजन करेंगे, थोड़ी सी बैठेंगे वहाँ पे अगर जगह होगी तो, क्योंकि आज के दिन काफ़ी भीड़ होगी, काफ़ी संख्या में लोग अपने घरों से निकल रहे हैं भगवान श्री राम जी के दर्शन करने के लिए। जो लोग अयोध्या जी में नहीं पहुँच पाए हैं वो अपने घरों के आसपास कृपया करके प्लीज़ मंदिर जाइए और प्रभु श्री राम जी का आज भजन कीर्तन कीजिए और उनका नाम लीजिए, उनके दर्शन कीजिए। तो बस इसी के लिए आज हम लोग भी अपने घरों से जा रहे हैं, भगवान श्री राम जी के दर्शन करेंगे और उनका नाम। तो चलिए चलते हैं राम मंदिर में, प्रभु श्री राम जी के दर्शन करते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम निकल चुके हैं अपने घर से यहाँ राम जी के दर्शन करने के लिए। और आज हमारे शहर का माहौल आप देख सकते हैं, यहाँ का सारा माहौल जो कुछ भी बना है एकदम नज़ारा आपको आगे दिखाते हैं कि पूरा अयोध्या जी जैसे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं राम जी मंदिर के पास, जो कि यहाँ की आपको सजावट और सुंदरता दिखाते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर सजावट की गई है और यहाँ भी दोपहर है तो अभी तो कुछ दर्शनार्थी दर्शन करके चले गए हैं, पर यहाँ आज 3 बजे से इनकी शोभा यात्रा भी निकलनी है जो कि आगे वीडियो में हम आपको फुल वीडियो दिखाएंगे। और आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। और तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे राम मंदिर के भगवान जी श्री राम लक्ष्मण सीता माता तीनों के दर्शन करिए यहाँ पे। और हम दोनों ने भी यहाँ पे उनके दर्शन किए और दर्शन करने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर तक बैठे भी हम लोग, क्योंकि हमको लग रहा था कि अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो हम लोगों को वहाँ पर दर्शन भी नहीं करने को मिलेगा और वहाँ पे दर्शन करने को तो मिलेगा साथ में बैठने को भी वहाँ पर नहीं मिलेगा। क्योंकि जब भी हम कभी राम मंदिर जाते हैं ना तो हम लोग वहाँ भले ही 5 मिनट ही बैठे लेकिन वहाँ पर बैठते जरूर हैं। और कहते भी हैं कि जब अगर मंदिर में जाओ तो वहाँ पर
थोड़ा समय निकाल के भगवान जी का नाम लेते हुए उनका नाम जप करते हुए वहाँ पे बैठना जरूरी होता है। इससे उनकी कृपा और दृष्टि उनकी जरूर बनी रहती है हमारे ऊपर। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आप भी जब कभी भी जाएँ वहाँ पे राम मंदिर में, तो आप भी हमेशा उनकी मंदिर में, चाहे कोई सा भी मंदिर हो, जिस भी मंदिर में आप जाएँ, वहाँ 10 मिनट या 5 मिनट जरूर से ज़रूर बैठें। और वहाँ पर जो भी शांति होती है और जो भी वहाँ का माहौल होता है, वो सब भी वहाँ पे महसूस करिए। काफ़ी ज़्यादा आनंद मिलता है और समय भी निकाल के आइए, ताकि थोड़ी समय के लिए और भी वहाँ पे मतलब आप बैठ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे राम लक्ष्मण सीता माता तीनों के दर्शन हम लोगों ने अच्छे से किए, और यहाँ पे आज भव्य शोभा यात्रा भी निकलनी है इसी मंदिर से जहाँ पर मैं अभी खड़ी हूँ। ये हनुमान जी का मंदिर है, जिसे यहाँ हनुमान गढ़ी या हनुमान टेकरी के भी नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग राम जी के दर्शन करने के बाद आए थे, और यहाँ का भी माहौल देखने के लिए कि अभी यहाँ पे क्या क्या तैयारियाँ हुई हैं। तो हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, उनके दर्शन भी किए और यहाँ का जायज़ा भी लिया कि मतलब अभी कितना टाइम लग सकता है, जो कि हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद दोबारा फिर हम लोग खाना वगैरह कुछ नहीं खा के आए थे, इसीलिए हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद घर गए। घर में थोड़ा सा रेस्ट किए, खाना वगैरह खाए, और फिर 3 बजे से उनकी शोभा यात्रा में फिर से शामिल हो गए। तो देखिए यहाँ पे ये पंचमुखी हनुमान जी है हमारे, जो कि इनके 4 दिशा हैं और चारों दिशा में इनकी अलग अलग मूर्तियाँ यहाँ पर विराजी हुई हैं। तो फर्स्ट हमने भी सामने से देखा, यहाँ से सेकंड मूर्ति है, और इसके बाद एक पीछे तरफ से है, और इन्हीं के जस्ट सामने यहाँ पे एक हमारे प्रसिद्ध यहाँ के फलहारी बाबा रहते थे, जिन्होंने जब से मतलब उन्होंने इस चीज़ को जाना यहाँ पे रहे, तब से उन्होंने सिर्फ फलहार के ही दम पर अपना जीवन व्यतीत किया, और काफ़ी समय तक मतलब ये रहे भी। ये देखिए, ये उनकी समाधि यहाँ पे बनाई गई है, और ये इनका साक्षात दर्शन है। तो यहाँ काफ़ी लोग आते हैं तो इनके भी दर्शन करते हैं, क्योंकि उस टाइम के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ का 3रा दरवाज़ा है हनुमान जी का, जो यहाँ पे इनकी 3री छवि यहाँ पर विराजमान है, और इन्हें पंचमुखी हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर भी दर्शन किया, और दर्शन करके फिर घर के लिए रवाना हो गए, और थोड़ा सा मार्केट वगैरह भी हम लोगों ने गए थे, तो वहाँ पे बुक किए। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, सब कुछ करने के बाद, खाना वगैरह खाने के बाद फ्री होकर भगवान जी के दर्शन के लिए, यानी कि शोभा यात्रा के लिए। तो शोभा यात्रा इतनी ज़्यादा मतलब भव्य थी कि देखते ही बन रही थी, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी भीड़ यहाँ पर, कि बाद में तो आपको हम आगे वीडियो में दिखाएंगे कि इतना तक का मुक्ति हो रही थी, बट हम लोग थोड़ी दूर तक एक राउंड वहाँ पे जैसे कि इन लोगों के साथ लगाया, और फिर जाके राम मंदिर के पास हम लोग खड़े हो गए थे। तो इनकी जो शोभा यात्रा थी, वो हम लोगों ने वहीं से उनके दर्शन किए, और सारे श्रद्धालु जो भी थे वो इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आप ज़रूर आइएगा आज के दिन राम जी के दर्शन करने के लिए, और जनता में भी देखा जा सकता है कि काफ़ी लोग उनकी प्राण प्रतिष्ठा से खुश हैं, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं, और राम जी को बधाइयाँ दे रहे हैं, एक दूसरे से राम राम बोल रहे हैं। और यहाँ पे हम सब लोग शोभा यात्रा के लिए अब निकल चुके हैं, तो आप देखिए काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने आनंद लिया उनके शोभा यात्रा का। Yeah!
राम है जिसका अयोध्या नगरिया नाम है। Yeah.
आज का ब्लॉग आपको हमारे ये कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर न्यू है हमारे चैनल पर तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, ऐसे ही आप हमें अपना प्यार देते रहें और अपना साथ बनाए रखें। सभी को राम राम, राधे राधे।